मतलब सबको ये बात कहती हूँ, कीर्तन हो ना हमारे जयपुर में आके देखो प्रेमी कैसे गाते। जय हो। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संवारा है। अब ये बात आप बोलो, मैं रोज बोलती हूँ, कल भी बोली थी और परसों कीर्तन था तब भी बोली थी, आप बोलो, ये बाबा तो Oh.
फ्रेश कोई नहीं आता मालूम है, इधर उधर से लुढ़कते लुढ़कते ही पहुंचते इसके दरबार, इधर भी चले गए उधर भी चले गए, फिर कहीं जगह नहीं मिली, तब हारे का सहारा और बाबा श्याम, बाबा श्याम। और फिर जब यहाँ आके बाबा से आशीर्वाद मिल जाता है, बाबा की कृपा हो जाती है ना, तो वही प्रेमी जब वापस लौट के जाते हैं तो पता है सारी दुनिया में क्या कहते हैं, दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था, दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था, दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था, दर्दों को सहते सहते कितना मैं टूट गया था, रो रो कर इन आंखों का हर आंसू सूख गया, बोल सच्चे दरबार की। क्यों? देखो हम बताएं, जितने गए बाबा के दरवाजे पे सब रोते गए, आप हिंदुस्तान में किसी से पूछ लो, जिसके पास जाओगे ना एक इतनी मोटी किताब लेके बैठा होगा, बाबा ने मेरे लिए ये किया। आप एक जने की आप स्टोरी एक आदमी की सुनो, उसमें आपको कई जन्म लग जाए, इतने लंबे लंबे पन्ने लेके बैठे हैं लोग, इतनी किताबें बन जाए बाबा की, इतने इतने चमत्कार है बाबा के। लगाओ ना ताली। बाबा इतना रोया लेकिन किसी ने अपना दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि सैकड़ों गरजवंत मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे, लेकिन बाबा किसी शाम प्रेमी ने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, इसके दरवाजे पे जाए ये खुला मिलेगा, और मैं बाबा के दरवाजे पर चला गया, और बाबा ऐसे हाथ खोल कर बैठा था जैसे मेरा इंतजार कर रहा था कि ये कब मेरी शरण में आ जाए। बोले श्याम प्यारे जय।
मुझे